शायान पहुंच गए हैं बिल्कुल मैच के लिए डेस्टिनेशन पे, और आज हमारा मुकाबला होना है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। शायान अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर, और ये खूबसूरत गेंद। सुबह के 4:40 हुए हैं। शायान ए बेटा उठ जाओ, मैच के लिए नहीं जाना क्या? उठिए जल्दी। पता है 4:40 हो चुका है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज मैच के लिए निकलना है। सुबह तकरीबन 5:45 हो गए, हालांकि हम लोग बहुत जल्दी 4:40 पे ही जाग गए थे, और उस टाइम से सारी तैयारियां की है, नाश्ता वाश्ता भी हो गया है, और मैंने सोचा चलो एक बार थोड़ा सा मौसम देख लें कि क्या हाल है जाने से पहले, क्योंकि बहुत दूर जाना है तो जाने से पहले देखना होगा कहीं बारिश वगैरह का कोई चांस तो नहीं है। लेकिन थैंक्स गॉड ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आप देखें आसमान बिल्कुल साफ है और अच्छी हवा भी चल रही है। अब नाश्ते के बाद चाय भी आ गया है, तो जल्दी जल्दी चाय पीते हैं और फटाफट निकलना होगा क्योंकि कम से कम 2 घंटे की जर्नी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। आज मैं अपना छोटा वाला किट लेके जाने वाला हूँ क्योंकि बहुत दूर भी जाना है और बारिश का भी मौसम है। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं निकलने के लिए। 6:10 हुए हैं, तो चलो अब और लेट किए बिना हम लोग सीधा मैच के लिए चलते हैं। रोड पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ भी एक भी कोई ऑटो कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो चलो गाइस, हमारी जो जर्नी है आज के मैच की वो शुरू हो चुकी है। गाइस 6:30 हो गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन पे। ये देखो आप, धुंध जैसा माहौल है, ट्रैफिक की चहल पहल शुरू हो गई है, बट पता नहीं क्या होने वाला है। बारिश ना हो जाए मुझे ऐसा डर लग रहा है, क्योंकि आसमान अभी तक बिल्कुल पूरी तरीके से खुला नहीं है और सूरज भी अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा। भी है और सुबह का टाइम है, बिल्कुल खाली है मेट्रो आज तो। साढ़े 7:10 हुए हैं और हम लोग दूसरे मेट्रो में आ गए हैं। आज हमें 3-3 मेट्रो चेंज करना है। हमारा तीसरा मेट्रो और इसमें जबरदस्त भीड़ है। पूसा रोड, अब रिक्शे की सवारी हो रही है। 3-3 मेट्रो चेंज किया, अब रिक्शे से जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। वैसे अभी टाइम है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, 8:25 से मैच स्टार्ट है। शायान पहुंच गए हैं बिल्कुल मैच के लिए डेस्टिनेशन पे, और आज हमारा मुकाबला होना है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचे हैं। तो गाइज, आप देख सकते हो हमारे पीछे ये शानदार क्रिकेट ग्राउंड, स्टैंड्स वगैरह सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अभी मैं बाहर ही हूँ, अंदर जाके आपसे और भी बात करूँगा। बिल्कुल नया ग्राउंड है, आज शायान का एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। सुबह के 7:50 हुए हैं और हम लोग पहुंच गए। जब 8:15 में मैच शुरू होना है और काफ़ी वेट है ग्राउंड, अभी आप देख सकते हो ओस की बूंदें साफ दिखाई पड़ रही हैं, और एक दो लोग और भी आ चुके हैं। शायान निकल पड़े हैं एक बार ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। ग्रास भी बहुत बड़ा है,
तो आउटफील्ड बहुत स्लो होने वाला है और उसके साथ ही पिच के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त ग्रास है, आप देख सकते हो। ये क्या शायान, क्या लग रहा है? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का पिच है। तो बच्चे भी अब आने लग गए हैं और ऐसा लगता है कि जल्द ही मैच शुरू हो जाएगा। ये देखें आप चारों तरफ ग्राउंड का नज़ारा और ये देखें पिच। आज थोड़ी मुश्किल पिच है, यहाँ पे ग्रास बहुत ज़्यादा है पिच के ऊपर, तो अगर थोड़ी सी भी स्किलफुल बॉलिंग हुई तो काफ़ी स्विंग होने वाला है बॉल, तो बैट्समैन के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। दिल्ली कैपिटल के भी कुछ प्लेयर्स आ चुके हैं। क्या नाम है आप लोगों का? आरुष। आरव। ओके, कौन इसमें से कौन है शायान जमाल का सब्सक्राइबर? मैं देखता हूँ। ओके, मैं थोड़ी सी वीडियो देखती। मैच की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो नेट लगा हुआ था यहाँ पे उसको अब हटा दिया गया है। विराट कोहली का। अच्छा कौन सा? अच्छा विराट कोहली का पानी। चलो विराट की तरह बैटिंग भी करनी है। दोनों ही टीमों की टीम मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब ऐसा मालूम पड़ता है कि चंद मिनटों में मैच शुरू होने वाला है। विकटें भी लग चुकी हैं और बच्चों के वार्म अप भी शुरू हो गए हैं। दोनों ही कप्तान पार्थ और शायान सेंटर में आ चुके हैं टॉस के लिए और पार्थ ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। शायान की टीम को मिला है गेंदबाजी। शायान की कप्तानी में आज का मैच खेला जाएगा। बिल्कुल नया ग्राउंड, नया एक्सपीरियंस और एक बार फिर से कप्तानी के रोल में। तीनों ही मीडियम पेसर अर्नव, शायान और अथर्व बॉलिंग की तैयारियों में जुट गए हैं, बाहें खोल रहे हैं, सलामी बल्लेबाजी के लिए निकल पड़े हैं। 25 ओवर्स का ये मैच खेला जाएगा और अर्नव करेंगे बॉलिंग की शुरुआत। फील्डिंग चार ओवर फैल चुकी है और बल्लेबाज अब गार्ड्स लेने के लिए बिल्कुल तैयार। अर्नव मैच की पहली बॉल लेकर और ये हवा में खड़ी हो गई थी बॉल। खुशकिस्मत रहे कोई भी क्लोजिंग फील्डर नहीं था कवर्स पे। तीसरी गेंद मैच की और ये काफी अच्छी बॉल थी, कोई रन नहीं। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हो गई है और शायान आ गए हैं अब गेंदबाजी के लिए इस मैच में पहली बार। शायान अपना पहला और मैच का दूसरा ओवर लेकर और ये अच्छी बॉल थी, डिफेंस करने की कोशिश, कोई रन नहीं। शायान दूसरी बॉल लेकर और ये कवर्स की दिशा में खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। एक और बॉल लेकर शायान ने भागना शुरू किया और काफी अच्छी बॉल, बाल बाल बचे बल्लेबाज। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर शायान एक बार फिर से और ये अच्छी गेंद थी, डिफेंस कर दिया और इसके साथ ही एक और मेडन ओवर का खात्मा हुआ। शायान का पहला ओवर मेडन और अर्नव ने भी मेडन से अपनी शुरुआत की थी। शानदार कैच गली की दिशा में, इसके साथ ही पहली विकेट का पतन हो गया है। अर्नव को मिल गई है पहली कामयाबी, बिना खाता खोले सलामी बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जाते हुए और नए बल्लेबाज अंदर की तरफ आते हुए। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर अर्नव ने भागना शुरू किया और ये इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। अभी तक टीम का खाता नहीं खुला है। अर्नव ने भी शानदार गेंदबाजी की है, दो ओवर दो मेडन एक विकेट और अब शायान अपना दूसरा ओवर लेकर आ गए हैं। शायान अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर और ये खूबसूरत गेंद बाहरी किनारा लेकर गली की दिशा में बॉल गई, कोई रन नहीं। शायान एक बार फिर से और
कवर्स की दिशा में खेल दिया बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं। शायान ओवर की तीसरी बॉल लेकर और ये मिड विकेट की तरफ घुमा दिया है, सीमा रेखा के पार चली गई है गेंद, चार रनों के लिए। इसके साथ ही टीम का खाता खुला है। शायान अपने दूसरे ओवर की पांचवी गेंद लेकर और ये डिफेंस कर दिया है बल्लेबाज ने, फॉलो थ्रू में शायान ने फील किया, कोई रन नहीं। इनिंग्स के चौथे और शायान के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद और ये डिफेंस कर दिया, अच्छी गेंद थी। अर्णव ने पांचवें ओवर की शुरुआत कर दी है, पहली गेंद डिफेंस कर दिया, कोई रन नहीं। एक और बॉल लेकर अर्णव ने भागना शुरू किया और कवर्स की दिशा में खेल दिया बल्लेबाज ने, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। इसके साथ ही पांचवें ओवर का भी खात्मा हो गया है। आरव आ गए हैं अब गेंदबाजी के लिए, पहली बॉल और डिफेंस कर दिया बल्लेबाज ने, कोई रन। काफी सुहाना मौसम हो रहा है, बादल लगे हुए आसमानों में बारिश की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है और इसी बीच मैच भी चल रहा है LCA और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। यहाँ पे 25 ओवर घटाकर कर दिया गया है बारिश की वजह से, कि जल्दी से मैच ख़त्म हो जाए, पूरा हो जाए मैच किसी तरीके से, क्योंकि बारिश का पूरा पूरा इम्कान है। इसी बीच आरव एक और बॉल लेकर और ये कवर्स की दिशा में खेल दिया है, वहाँ पे फील्डर मौजूद। अथर्व आ गए हैं अपना पहला ओवर लेकर और इनिंग्स का सातवां, और इसके साथ ही मिड विकेट की दिशा में हल्के हाथों से खेल के एक रन लिया बल्लेबाज ने, अपना खाता खोला। अगली बॉल और ये एक और उम्दा शॉट स्क्वायर लेग की तरफ गई है और ये इसी बीच बारिश की भी शुरुआत हो गई है हल्के हल्के और ये चार रन। लगातार दूसरा मैच है जब बारिश की वजह से बाधित हुआ है, सारे ही प्लेयर्स शेड के अंदर आ गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बारिश के रुकने का, हालांकि कोई इम्कान नहीं नज़र आ रहा है बारिश के रुकने का। दोबारा से बारिश के बाद एक बार मैच की शुरुआत हो गई है और अथर्व बॉल लेकर और ये डेविड कवर्स की दिशा में खेल दिया और वहाँ पे शायान ने फील्ड की बॉल और फेंक दिया विकेट कीपर के पास। इसके साथ ही नवी ओवर का भी खात्मा हो गया है और बल्लेबाज ने छोड़ बदल लिया है। आरव एक और ओवर लेकर भागना शुरू किया और ये कट कर दिया है सीधा गली की दिशा में, चार रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चले गए। एक और बॉल लेकर आरव और ये काफी अच्छी बॉल और इसके साथ ही LBW करार दिए गए, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी और दूसरी विकेट का पतन हो गया है और नए बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच आते हुए। क्या नाम है आपका? राघव। कितने साल के हो? अच्छा, तो आज आप भी मैच में हो? झूठ बोल रहे हैं ये, झूठ बोल रहे हैं ये भी मैच में। यंगेस्ट प्लेयर हमारा, इधर आ जाओ। ओपनिंग में गए थे ना, ओपनिंग फर्स्ट डाउन गया था, दिवित बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था लेकिन बदकिस्मती से बारिश शुरू हो गई। तो क्या आपने कब से शुरू किया? 5-6 years अभी कितने साल के हो? 11। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे आप। तो कौन है आपका फेवरेट प्लेयर? विराट कोहली। वाओ, तो आप तो विराट कोहली की तरह खेल रहे थे। ये शायान के सब्सक्राइबर भी हैं और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे आज, लेकिन इनके हुनर जो है हम देख नहीं पाए अच्छी तरीके से बारिश की। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच। क्या नाम है आपका? समर्थ है ये और क्रिकेट खेलने में सामर्थ है इतनी छोटी उम्र में। कितने साल के हो आप? 6। और इतने बड़े बच्चों के साथ आप मैच खेलने के लिए आए हो, वेल डन। कौन सा प्लेयर है आपका फेवरेट प्लेयर? सचिन तेंदुलकर। वाओ, द गॉड, क्या बात है। बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो? ऑलराउंडर। गुड, चलो हम अब आपका हुनर जो है नेक्स्ट मैच में देखेंगे। आज तो बहुत मुश्किल लग रहा है, अब बारिश हो गई है ना। हार्ड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सारे बच्चे अलग अलग अपनी अपनी प्रैक्टिस में लग गए हैं और मैच होने का अब कोई चांस दिखाई नहीं पड़ रहा है, हालांकि
कोचेज मुआयना करने गए हैं पिच का एक बार फिर से। बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है। बाहर नहीं मारना है। गाइस एक बार फिर से मैच खराब हो गया क्योंकि बारिश 10 ओवर ही हुए थे और बारिश शुरू हो गई और हम लोग अभी शेड में खड़े हैं और अभी भी बारिश हो रही है। एक और तगड़ा वाला पोपट हुआ है। 10 ओवर के खात्मे के बाद ही मैच का भी खात्मा हो गया। बारिश शुरू हो गई और सारे बच्चे ऑलमोस्ट चले गए हैं। अब हम लोग भी निकल रहे हैं। चलो गाइस अब घर की ओर चलते हैं। मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका है और मैच तो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। लास्ट मैच में भी यही हुआ, मैच पूरा नहीं हो पाया और आज के मैच में तो बिल्कुल शुरुआत में ही मैच का अंत हो गया। पहले इनिंग की 10 ओवर ही फेंकी गई थी सिर्फ। मैच धुल गया बारिश में तो अब घर की तरफ वापसी हो गई है। Growing up, same street, you mean. आज तो बस हम लोग मेट्रो ही छान रहे हैं। तो यार फाइनली लास्ट मेट्रो मिल गया। इस वक्त भी बारिश हो रही है। मेट्रो के बाहर तो आ गए हैं लेकिन अब घर कैसे जाएंगे ये समझ नहीं आ रहा है। गाइस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग आज का हम लोगों का जर्नी रहा। सिर्फ 10 ओवर का मैच हुआ और बारिश शुरू हो गई। देखो अभी भी बारिश हो रही है और ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथली चल रही है। शायान बहुत डिसअपॉइंटेड है। सिर्फ 2 ओवर बॉलिंग डाली आज शायान ने। अब हम लोग घर के पास पहुंच गए हैं। बारिश का आनंद लेते हुए हम लोग घर की ओर निकल पड़े हैं। बहुत मुश्किल है यार, बहुत डिफिकल्ट। 4:30 बजे उठ के आप निकलते हो मैच के लिए और 3-3 मेट्रो चेंज करके आप ग्राउंड पहुंचते हो। इतनी एनर्जी और इतना मतलब इतनी ख्वाहिशों के साथ, लेकिन वहां जाने के बाद जब इस तरह से डिसअपॉइंटमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। एनीवे अब हम लोग घर के आसपास आ चुके हैं। एक बार फिर से हमें ई रिक्शा मिल गया है बारिश में। फाइनली गाइस पहुंच गया घर। इतना डिसअपॉइंटिंग आज का टूर रहा हमारा। मैच भी स्पॉइल, मूड भी खराब। भीगते भीगते पहुंचे हैं।